इमरान खान इसमें कोई शक नहीं कि दूसरों से बहुत मुख्तलिफ मतलब है कि पॉलिटिकल लीडर हैं जिनकी बहुत बड़ी मतलब है कि जद्दोजहद है और बड़ी डिफरेंट यानी कि उसकी सारा पॉलिटिकल उनका करेक्टर है। इमरान खान साहब का वोटर है, आपको लगता है कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है एक बात, और अगर लॉयर्स कम्युनिटी आगे आती जिससे आप फरमा रहे हैं तो लोगों का क्या इस पे रिएक्शन होगा और वोटर किधर टल्ट होगा? ये पूरी कौम को सियासत करनी पड़ेगी, पूरी कौम को अपने हकूक अपने शऊर अपनी तरबियत और रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद। पीटीआई के लिए टाइम बहुत थोड़ा नहीं है, अगर तो आप सपोज आप या कोई और लोग थोड़ा इमरान खान लोगों में पॉपुलर है, दो तीन चीज़ें नज़र आ रही थी लोगों को, एक तो देखें ना उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, सबसे बड़ी बात ये थी कि अक्रॉस द बोर्ड थी, उस बंदे ने ये नहीं देखा कि ये बड़ा मुखालफ है मैथी है अमीर है गरीब है, उसने सबको तो जिसको ज़रूरत है ताकि इज्जत नफ्स किसकी मजबूर हो। आपने पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़ा, क्या रीज़न बनी, क्या ऐसी वजह हुई कि आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग नजराती लोग जो इमरान खान को जो है ना इमरान खान की पॉपुलरिटी को आप पीछे उठाने के लिए या उसे कम करने के लिए आप ये जो पुराने हथियार हैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नई चीज़ लेके आए ना उनसे को मतलब बेहतर लेके आए। जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि लॉयर्स को वो फ्रंट पे लेके आएंगे, टिकटें देंगे, इलेक्शन वो लड़ेंगे पर्सन तरीके से, क्या ये शॉर्ट टर्म में एक फैसला है या लॉन्ग टर्म फैसला है को लोगों लेके चलेंगे? यकीन जानिए कि इस वक्त जो मुआशी जबर है ना जी, उस जबर का जितना शिकार इस वक्त बुखला है ना खास तौर पर नौजवान बुखला है, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान, फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर व्यूअर्स, आज का जो पॉडकास्ट है ये बड़ा ही अहम इस हवाले से कि जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जो हमारे आज के मेहमान हैं, इनके बहुत से हवाले हैं। एज ए सोशल वर्कर हम इनका तारुफ भी कराएंगे, एज अ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के हवाले से भी हम इनको जानते हैं, इसके अलावा पॉलिटिकली एडवाइज़र के हवाले से भी इनको जानते हैं, इसके अलावा ये टूरिज़म के हवाले से भी इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, और इसके अलावा जो अपने इलाके के हवाले से जो ये सोशल कम्युनिटी वर्क करते हैं इस हवाले से भी इनका बहुत तारुफ है। बट इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा देर इनके और आपके दरमियान फासला ना रखूँ, तो मैं इनके जाने बढ़ूँगा। जनाब आज के हमारे मौजूद मेहमान जनाब राणा अब्दुल शकूर खान साहब हैं, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और एक्स डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। सर वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आज तशरीफ़ आवरी का। सर आपकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ जहतें हैं, मुख्तलिफ हवाले हैं, ताल्लुक आपका छांगा मागा से है, सोशल वर्क भी आप करते हैं, कम्युनिटी के साथ भी इन टच रहते हैं, और उसके साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। सर मल्टीपल जब काम कर रहे होते हैं तो कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ें? देखें बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा प्रोफेशन है ना जी एडवोकेट का, ये उसी का एजाज़ है। ठीक, ये वाहद हमारा प्रोफेशन है जो हमें मौके देता है कि हम जिंदगी के तकरीबन जो काम आम आदमी नहीं कर सकते वो काम हम इस प्रोफेशन को इख्तियार करते हुए ना सिर्फ करते हैं बल्कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से शेयर कर लेते हैं। और वैसे भी फरहान भाई देखें ना, ज़िंदगी का कौन सा शोभा ऐसा है जिसका ताल्लुक ला से नहीं है? हर तरफ देखिए हर शोभा ज़िंदगी को ला गवर्न करता है। एग्जैक्टली, हाँ जी, इसके कोई ना जो भी रेगुलेट होगा प्रोफेशन वो ला से होगा। बिल्कुल होगा, तो इस लिहाज से हमें मौका मिलता है कि हम मुख्तलिफ प्रोफेशंस को देखें, उनके नज़दीक जाएँ, स्टडी करें, तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को हम देखें, तो फिर बंदे को अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक, जाहिर है कि एक आदमी हर जगह तो नहीं कोई रोल प्ले कर सकता, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी चॉइस हो तो अच्छा तो रोल प्ले करता है, वो मुझे मौका मिलता है। आप लॉ में सर्विसेज भी देते हैं, कम्युनिटी को भी सर्व करते हैं और लोगों के लिए काम भी कर रहे होते हैं, सुकून और मज़ा किस में आता है सबसे ज़्यादा? सुकून और मज़ा जो है ना जी, वो एक तो जब आप अपना काम कर रहे हैं ना जी, जो ब्रीफ है आपके पास उसमें जब आप दिल लगा के मेहनत कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। सुकून आता है जब आप किसी मखलूक की जब आप खिदमत कर रहे हैं ना, किसी के काम आ रहे हैं, किसी के
दुख को शेयर कर रहे हैं, किसी की मुश्किल में थोड़ा सा भी आप उसे मदद कर रहे हैं, या किसी भी हवाले से आप उसे जो है ना रिलैक्स कर रहे हैं, तो फिर बड़ा मज़ा आता है। यानी कि मखलूक की जो देखे ना, वैसे तो मखलूक अल्लाह पाक ने ही उसकी रहनुमाई करनी होती है बंदों के। मैं समझता हूँ कि वो ये खुदा की अता है, अगर वो किसी के ज़रिए से अगर वो कर लेना तो उसमें उसका यही सबसे बड़ा सुकून है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है कि आप किसी हद तक किसी के काम आ जाए। अच्छा सर, इब्तदाई तालीम जो लाहौर से आपकी? इब्तदाई तालीम मैंने जो स्कूल की, जो मेरी स्कूल की तालीम है वो तो चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर, क्योंकि मेरी पैदाइश चूनिया की थी। उसके बाद मेरी जो है ना फर्स्ट ईयर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया था, तो मैं ओल्ड रावीन हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो FSC तक मेरी यहाँ तालीम है। हाँ जी, उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ किया मैंने एज ए रेगुलर स्टूडेंट, फिर बकिया तालीम मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी की। फिर उसके बाद आप एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर? जी हाँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी MA किया और लॉ के बाद फिर मैंने। अच्छा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है हम देखते हैं बहुत कम है। जी जी, एज कम्पेयर टू दूसरे। जी जी, सो इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपके केसेस होते हैं, थोड़ा सा नॉलेज के लिए? इसके लिए फरहान साहब ऐसा है कि एक ये एक क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक जो है ना जी, वो उस क्राइटेरिया को पूरा करते करते जो है ना जी, उसमें एक तो टाइम बड़ा लगता है, ठीक है, दूसरा ये है कि उसमें आपका एक्सपीरियंस उसमें बड़ा उसमें रोल प्ले करता है, और वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपका जो अपना प्रोफेशनल वर्क है, वो केसेस हैं, वो सारी चीज़ें अकाउंट होती हैं। तो इसमें इसीलिए जो है ना जी, वो एक एडवोकेट जब एक नौजवानी से अपना काम शुरू करता है, तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जब वो बनता है तो उसमें कई उसमें स्टेजेस हैं, कई मराहल हैं, वहाँ से वो पास करके उन मराहल को फिर वो पहुँचता है। तो इसलिए वहाँ जाते जाते एक तो तादाद कम हो जाती है, और दूसरा ये है कि आमतौर पर सीनियर लोग ही जो है ना जी, जब वो सीनियरिटी जब में आते हैं तो उसमें। अच्छा सर, कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, आप भी हैवी फीसें लेते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोअर कोर्ट्स के वकील हैं और हाई कोर्ट्स के वकील हैं, उनकी फीसों में भी फ़र्क होता है। तो इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के वकला की फ़ीस है वो नेचुरली ज़्यादा होती है, तो लेकिन ये फीस तो फिर अपनी अपनी वो एक्सपर्टीज़ की और वो क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी पर मद्देनज़र रखती है। केस टू केस भी डिपेंड? हाँ, केस टू केस, और इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट भी डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ जी, क्लाइंट टू क्लाइंट मतलब किस लेवल का क्लाइंट? हाँ, देखो ना, एक आम आदमी उसकी आप मदद करना चाहते हैं, वो बेचारा इस काबिल ही नहीं है कि आपको फीस दे, तो वहाँ फिर फीस मैटर नहीं करती, आप उसकी मदद कर रहे होते। एक आपका क्लाइंट है तो वो अफोर्ड कर सकता है, और वो चाहता है कि मेरा काम जो है ना प्रोफेशनल अंदाज में हो, और मैं प्रोफेशनली जो इसका हक बनता है मैं पे करूँ। जो बड़े क्लाइंट होते हैं ना जी, वो आमतौर पर प्रोफेशनल लोगों को उनकी जो फीस है, बल्कि वो उससे भी उनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा इन्हें जो है ना जी हम खुश करें, हम इन्हें प्लीज़ करें अपने काम के लिए, ताकि ये ज़्यादा हमारे काम में तवज्जो दें। ठीक है, तो इस तरह होती है, ये तो मैन टू मैन और क्लाइंट टू क्लाइंट जो है ना, जो चीज़ें वेरी कर जाती हैं सिचुएशन के मुताबिक, केस टू केस, ब्रीफ टू ब्रीफ, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें कोई रूल नहीं है कि क्या और नहीं वो करना। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि जो कम्युनिटी सर्विस भी इसमें हो सकती है, कुछ लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ताल्लुक एक ऐसे इलाके से जहाँ पे भी आपके पास लोग आते होंगे, तो उनको आप सपोर्ट करते हैं? जी जी, इसमें बिल्कुल, इसमें मैं भी करता हूँ और मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो भी करते हैं। हाँ, हमने नहीं, बाकी जो हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, देखें ना, ये अपना अपना जिनकी भी पब्लिक डीलिंग है, जो पब्लिक से रब्ता रखते हैं, एक तो वो है ना जो सिर्फ प्रोफेशनल है, वो अपने प्रोफेशन के अलावा कोई बात ही नहीं करते, वो सुबह से शाम तक, ठीक है, तो वो तो शायद पता नहीं वो कर पाते हैं नहीं, या करते हैं नहीं करते, वो तो वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की पब्लिक डीलिंग है उन्हें तो कम्युनिटी सर्विस देनी होती है। बिल्कुल ठीक, और वो बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि आप उन्हें सर्व कर रहते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें केस करके ही आप उनकी सर्विस, आप उस उन्हें लीगल एडवाइस करके प्रॉपर उन्हें अच्छा मशवरा दे के उन्हें प्रैक्टिकल वे बता के कि भाई आपने आपका काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा, आप इधर जाएं, ये करें वो करें, ये असल मसला ये है कि प्रॉपर जगह पर उन्हें भेजना, प्रॉपर एडवाइस करना, मैं समझना हूँ ये सबसे बड़ी बात। इवन डॉक्टर की बात करेंगे या वकला की बात करेंगे, अक्सर लोग अपना केस लेके जाते हैं, लेकिन कुछ वकला जो है वो केस एक्सेप्ट कर लेते हैं,
उनका वो नहीं भी होता फिर भी कर लेते हैं, तो इस तरह उनका केस पे फर्क नहीं पड़ता, कुछ असरात मुरतब नहीं होते कि अगर वो उसका एक्सपर्ट नहीं भी है वो फिर भी वो उस केस को एक्सेप्ट कर लें। देखिए ये बड़ी अच्छी बात आपने की, अच्छा सवाल किया। ये इंसान की ना जी उसकी अपनी जाती, मैं समझता हूँ कि वो उसका अपना इखलाक और अपना किरदार, वो उसका वो किस हद तक ज़िंदगी में जो है ना जी मोरालिटी को वैल्यू देता है, ये उसका बेसिक उसका ताल्लुक बनता है इस सवाल से कि बिल्कुल वो काम नहीं करना चाहिए जो आप नहीं कर सकते। तो बाद लोग जो है ना जी वो बिल्कुल सही मशवरा देते हैं, मेरी ज़ाती भी आदत भी यही है कि जो काम मुझसे नहीं हो पाता है या जो काम मुझे समझ में आ रहा है कि ये बात ऐसे नहीं हो सकती, मैं कह देता हूँ कि ये काम नहीं हो सकता आपका, या मैं इस काबिल नहीं हूँ, या आप फलां के पास चले जाएं, या आप जो है ना जी गलत फोरम पर बात कर रहे हैं, गलत फोरम पर आप ट्राई कर रहे हैं, या प्रॉपर फोरम पर आप जाएं, तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो है ना जी हम बता देते हैं। मैं तो ज़ाती तौर पर कोशिश करता हूँ कि वो है वो काम ना लूँ जो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज साहब, आपको लगता है कि चूँकि आप सीनियर एडवोकेट हैं और आपका एक एक्सपीरियंस है लॉ के अंदर, हमारे जो यंग वकला हैं उनकी ट्रेनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी मेंटोरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको प्रोफेशन में आने के लिए सही पाथ या बेहतर तरीके से अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की ज़रूरत की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है जी। इसमें आपने जो उनकी ट्रेनिंग की या कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है, वो तो उसकी तो वाकई ज़रूरत है कि ज़ाहिर है, मैं सिर्फ वकला की बात नहीं करता, आप कोई भी आप जर्नलिज्म में आ जाएं, आप डॉक्टर पे आए, वो एक प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग के बगैर इंसान आगे बढ़ता है ना, ट्रेनिंग के बगैर तो नहीं ना इंसान आगे बढ़ सकता, ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ता है। उसकी तो बिल्कुल ज़रूरत है, वो ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, उसके लिए माहौल वो बनाने की ज़रूरत है जिसमें वो प्रॉपर ट्रेंड हो सके। सर, रिस्पॉन्सिबल किसको करना है ये बुनियादी तौर पर? तो जी हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्हें ये इंतज़ाम करना चाहिए, और हमारे जो एजुकेशन देने वाले इदारे हैं उन्हें इंतज़ाम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। एसोसिएशंस बनी हुई नहीं, एसोसिएशन और चीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज़ और चीज़ है। ठीक है, ठीक। तो ये काम रेगुलेटरी बॉडीज़ का है, ये एसोसिएशन का नहीं है। ठीक है। तो लेकिन यह है कि वो हमारे यहाँ ये होता नहीं है इस वक्त। तो जो आपने जो बात की है ना जी, मैं इसमें यकीन जानिए कि इस वक्त जो मुआशी जबर है ना जी, उस जबर का जितना शिकार इस वक्त वकला है ना, खासतौर पर नौजवान वकला है, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। ये इस जितना इस्तेसाल इस वक्त वकला का हो रहा है शायद ही किसी कम्युनिटी का हो रहा हो। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो यह है कि वकला का पे मास्टर कौन है? वकला के पे मास्टर तो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है ना, क्लाइंट है। उनकी जो माशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। ठीक है। लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनके किचन नहीं चल रहे। अब कोई शौक से तो मतलब है कि कोई उनके बहुत सारे हकूक हैं वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। वो जा सकते हैं अदालतों में जाके अपनी बात कर सकते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे जाए आगे। ठीक है, ठीक है ना। अब वो एक तो ये है कि उनका वकला का जो पे मास्टर है ना जी, उसकी माशी सूरत हाल जो है ना डिस्टर्ब हुई है। ठीक है। पे मास्टर से मुराद क्लाइंट जिसने पे करना है, मतलब जिसने पे देना है, जो लोग आम लोग हैं। ठीक ठीक। जिन्होंने मतलब उन्होंने पे करके उनके सर्विसेज लेनी है ना जी, तो वो उनके पास वो तो पैसे नहीं है कि वो अपनी सर्विसेज उनके हायर कर सके। ठीक है। एक तो ये पढ़ो। दूसरा ये है कि जो वकला है, नौजवान वकला, उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं मिलती। होना तो ये चाहिए था कि 5 साल के लिए या 7 साल के लिए उन्हें कम अज कम कोई ऐसा एजाजिया, कोई ऐसा मतलब वजीफा, ताकि वो अपनी रोजमर्रा जरूरियात के लिए मतलब कि वो तो उन्हें ना किसी किस्म की मोहताजगी हो। बिल्कुल ठीक। कि बजाय ये है कि वो अपना वो बाइक भी अगर हो तो तेल भी वो घर वालों से मांग के आए, ये तो नहीं होना चाहिए। तो वो एक तो ये है कि वो बिल्कुल तवज्जो नहीं है किसी की भी, ना गवर्नमेंट की तवज्जो है ना रेगुलेटरी बॉडीज की तवज्जो। अच्छा ठीक। तो ये उनके साथ ज्यादती। तीसरा ये है कि वो हालांकि उस उम्र में जो काम बंदा जवानी में करता है वो काम बड़ी एज में तो नहीं आके होता, उस उम्र में हिम्मत होती है काम करने की, जज्बा होता है उसमें। अगर उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए 5-7 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो सलाहियत है, वो कई गुना बढ़ सकती है।
वो मुकम्मल मतलब है कि तवज्जो के साथ अपने वो उस रिसर्च की तरफ और काम कर सकते हैं और हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो। एनर्जी है जी, वो टाइम है। अच्छा सर, आप का ताल्लुक सियासत से भी है और रहा, नाज़िम भी आप रहे, 2008 में आपने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और वो भी कॉन्टेस्ट किया, फिर आपने उसके बाद छोड़ दिया। हम पीपल्स पार्टी से आपके कैरियर का हम बात करते हैं, आपने पीपल्स पार्टी को क्यों छोड़ा, क्या रीज़न बनी, क्या ऐसी वजह हुई कि आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग नज़रियाती लोग जो पार्टी को छोड़ा। सर, मैंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया था 2004 में, ठीक, जब मैं मेंबर पंजाब बार काउंसिल बना, ठीक। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को लीड कर रही थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो। उस वक्त हमारे कोई दोस्तों ने मुझे कहा कि आप जो है ना जी इसमें ज्वाइन करें, क्योंकि उससे पहले मैं नाज़म आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ था, मेरा किसी वकालत से पहले मेरा ज़रूर एक मजहबी जमात से ताल्लुक था, जमीयत उलमाए पाकिस्तान से हम वाबस्ता रहे, लेकिन वकालत के बाद मैंने जो है ना जी वो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखा था। तो उसके बाद तो मैं अपनी प्रोफेशनल सरगर्मी में था। तो जब मैं नाज़म हुआ आज़ाद हैसियत से, जैसे मैंने पहले कहा, तो उसके बाद जब 2004 में मोहतरमा उस वक्त एग्जाइल में थी, आपके इलम में होगा कि मुशर्रफ का उस वक्त दौर था, तो लेकिन यह है कि मुशर्रफ ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया हुआ था कि इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया था। तो उस वक्त फिर जो है मैंने एक सियासी जमात को ज्वाइन करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि नाज़म के बाद आपको बड़ा इलेक्शन लड़ा जाए, तो मैंने पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया। ठीक, तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया, बीबी के साथ मुलाकातें भी हुई, लंदन भी गए दो दफ़ा। तो मुझे 2008 में पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का। ठीक, लेकिन ये एक यहाँ थोड़ी सी दिलचस्प बात भी है कि मुझे ये टिकट जो है ये पहले मरहले पर नहीं दिया गया था। अच्छा, पहले मरहले पर टिकट किसी और दोस्त को दिया गया था, लेकिन बाद में वो इलेक्शन नहीं लड़ सके, वो इलेक्शन से विड्रा हो गए, उनके कागजात पे कोई डिग्री के सवाल आता है, जो भी थे बहरहाल। तो उसके बाद आखिरी लम्हे में, अच्छा, यानी कि जब वो कंपेन चली हुई थी और किसी और बंदे की कंपेन चल रही थी, हाँ किसी और बंदे की, हाँ नॉमिनेशन पेपर भी उन्होंने दाखिल कराए थे, मुझे तो आखिरी मरहले में कहा गया था कि आप एहतियातन नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा। तो जिस वक्त वो स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी में फिर वो साहब जो है ना जी वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उसके बाद बीबी ने फिर मुझे मतलब है कि टिकट अनायत फरमाया था ये कौमी असम्बली का, तो मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। तो अगरचे नीचे वो जो थी वो टीम वो पहले जो जिन्होंने टिकट मिला था उनकी थी, पर वहाँ जो कुछ इश्यूज भी आए वो कोऑर्डिनेशन के, लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ा। ठीक, वो इलेक्शन तो मैं हम ना जीत सके, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बहुत दी उसमें। तो उसके बाद फिर जो है ना जी अपना पीपल्स पार्टी में कोई एक्टिव मेरा रोल नहीं रहा, क्योंकि मैं उसका कोई बाज़ाब्ता तौर पर ना तो कोई ऑफिस पेरियड था, ना मैंने उसमें जनरल पॉलिटिक्स में उस अंदाज से पार्टी के साथ वर्किंग की, लेकिन उसी दौरे हुकूमत में मुझे ये पार्टी की कई मैं समझता हूँ कि एजाज़ था कि मैं चेयरमैन ड्रग को लाहौर भी रहा। अच्छा, जज के तौर पर भी मैंने काम किया, फिर मैं नैब में चला गया था, नैब में मैं लीगल एक्सपर्ट के तौर पर यानी कि डीपीजी आप कह सकते हैं, राइट, उसके बराबर उस पोस्ट पर मैं काम करता रहा। तो उसके बाद फिर मैंने जनरल प्रैक्टिस शुरू कर दी और मैंने पीपल्स पार्टी की सियासत को खैर बात कह दी, राइट, क्योंकि मैं एक्टिव सियासत को मैंने खैर बात कह दिया। अच्छा, फिर आप अपने प्रोफेशन में, हाँ प्रोफेशन में हम आ गए। ठीक, तो उसके बाद ये है कि हम स्पोर्ट की हद तक जो है ना जी 2013 में इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर जो मुकामी कैंडिडेट्स थे पीपल्स पार्टी, तो 2013 में पंजाब में वैसे ही वाइप आउट हो गई थी, तो 2018 में भी यही सूरत हाल थी। सूरत हाल की वजह क्या हुई पीपल्स पार्टी की, इतनी बुरे हालात? सर, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का ये हुसन है, यहाँ हमारे यहाँ अगर सही जमहूरियत चलने दी जाती तो शायद हम ज़्यादा बेहतर इसका हुसन देखते, कि अवाम से बढ़कर कोई एहतसाब नहीं कर सकता। ट्रू, जी ट्रू।
पीपल्स पार्टी से जो लोगों की तोकवात थी ना, तो वो तोकवात पूरी नहीं हुई 2008 से लेके 2013 तक। ठीक, तो इसलिए अवाम ने जो है ना जी, उस शऊर आ गया था वक्त के साथ साथ। देखो ना जी, अब तालीम ज़्यादा फैल रही है, शऊर ज़्यादा फैल रही है। अब ये मीडिया चैनल आ गए थे, मुशरफ के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था, तो मीडिया के जरिए लोगों को पता चल गया अभी फलां की क्या कारकर्दगी है या क्या है। मीडिया के जरिए आप जितना भी आप जो हकायक को छुपा लें, एक्सपोज हो जाती हैं चीज़ें वक्ती तौर पर, आप जो जितना भी ड्रामा कर लें। बहरहाल एनीवे, वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है ना जी पंजाब से वो फिर सियासी तौर पर गायब हुआ। तो 2013 में फिर हमने पीटीआई के वहाँ जो कैंडिडेट थे, जो टिकट होल्डर थे, हमने उन्हें सपोर्ट किया था। तो 2018 में भी हमने इन्हें सपोर्ट किया, जो वहाँ सपोर्ट की हद तक, यानी सपोर्ट की हद तक वो, हाँ, वरना मैं कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनका कोई अहदेदार नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, लेकिन आप भी सपोर्ट रही है इलाकाई तौर पर, इलाकाई तौर पर आपने जो सपोर्ट की वो इलाकाई तौर पर जो शख्सियत वहाँ पर थी उसकी वजह से आपने सपोर्ट की, इमरान खान की वजह से आपने सपोर्ट की? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। नहीं, हमने जो है ना जी इमरान खान के प्रोग्राम की वजह से सपोर्ट की थी। अच्छा, देखे इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं कि दूसरों से बहुत मुख्तलफ, मतलब है कि एक पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्हों की बहुत बड़ी, मतलब है कि जद्दोजहद है और बड़ी डिफरेंट, यानी कि उसकी सारा पॉलिटिकल उनका करेक्टर है। लेकिन उन्होंने जो प्रोग्राम दिया था, जो उन्होंने जो बातें की थी, जो उन्होंने लोगों के सामने अपनी सियासत का, मतलब है कि मंशूर पेश किया था। आप 2013 की बात कर रहे हैं, 13 और 18 की, दोनों की बात कर रहा हूँ। वो अट्रैक्टिव था राइट लोगों के लिए, उन्होंने तब्दीली की बात की थी ना, बिल्कुल की थी। तो उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की जिस हद तक वो कर सकते थे। तो इसलिए जो है ना, हमने उनके मंशूर की बुनियाद पर जो है ना उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था, वरना उनके कैंडिडेट के साथ हमारे जाती तौर पर जो है ना जी कोई अच्छा दोस्ती नहीं थी। अच्छा, अच्छा, मतलब वो मजबूरी नहीं थी, दोस्ती तो थी लेकिन जाती तौर पर उनकी कोई मजबूरी थी। बिल्कुल ठीक है। तो सर, अब जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो मौजूदा पोजिशन है उसमें कैंडिडेट तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं, कोई दूसरी पार्टियाँ ज्वाइन कर रहे हैं। लेट सपोज, चूँकि आप एज ए सपोर्टर 2013-2018 के, सो यू आर द मेन प्रोमिनेंट फिगर ऑफ योर एरिया एज अ लॉयर कम्युनिटी के अंदर हम देखेंगे, या सोशल वर्कर के वास्ते देखेंगे, इफ़ यू गेट अ चांस, सो क्या आप उस चांस को अवेल करेंगे? जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं लॉयर्स को ही आगे लेके आऊँगा, लॉयर कम्युनिटी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी, सो डू यू थिंक दिस इज़ फॉर द टाइम बिंग? एक लॉन्ग टर्म ये प्लान नहीं है कि लॉयर्स को एक टाइम बिंग लेके आना कि जी थोड़े ये मजबूत हैं, लीगली ज़रा चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इज इट अ लॉन्ग टर्म प्लान? ये अपने लॉयर्स के बारे से आप बात कर रहे हैं? जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि लॉयर्स को वो फ्रंट पे लेके आएंगे, यानी टिकटें देंगे, इलेक्शन वो लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से, क्या ये शॉर्ट टर्म में एक फैसला है या लॉन्ग टर्म फैसला है कि लोगों ले कर चलेंगे? देखें जी, इस फैसले की बुनियाद जो भी हो वो तो अलहदा से हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फैसला हुआ तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। अच्छा, इस मुल्क में। अच्छा, ये एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे मुल्क का चेंज कर देगी। ओके, एक तो ये है कि मेरी ये राय है जाती, तो अगर ये फैसला करना है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए। ओके, पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड कैसे होगा? कराची से पेशावर तक आप, अच्छा, कौन सा खिता है जहाँ वकला नहीं, मतलब आप कह रहे हैं तमाम, फिर आप अप्लाई करें ना एक दफा। तो सर, आपके चेयरमैन भी तो बैरिस्टर गौर साहब नहीं है? वो तो हाँ, वो भी तो वकला कम्युनिटी है, नहीं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अच्छा, देखे ना आप, चेयरमैन जो गौर साहब बने हैं वो क्यों बने हैं, जबकि वाइस चेयरमैन तो शाह महमूद कुरैशी साहब थे और उसके नीचे पूरी एक हायरार्की थी जनरल सेक्रेटरी, वो क्यों बने? इसलिए कि वो जो जनरल लीडरशिप थी वो इस वक्त इस काबिल नहीं है, वो उसके रीज़न जो भी हैं, राइट, हम उस पर रीज़न पर नहीं आते, ठीक ठीक, कि वो उस पॉलिटिकल मूव को लेके आगे चल सके, वो इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि इलेक्शन फौरी तौर पर आ रहा है, उसमें कोई लीगली तौर पर, टेक्निकली तौर पर का बहुत सारे इश्यूज पैदा होंगे। इसलिए वो बैरिस्टर गौहर साहब को लाया गया, ठीक है, यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब को सियासी तौर पर
लीड करने के लिए नहीं लाया गया कि वो इमरान खान की कोई नेवल बदल के तौर पर आ गए, ऐसी कोई बात उन्होंने खुद भी कहा एक रिक्वायरमेंट है, उन्होंने खुद भी कहा एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बावजूद उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा, उसका आया है। देखे ना, अब मैंने मतलब कि वो दो दिन पहले वो आए हैं, जितना मैंने मीडिया देखा है, मैंने तकरीबन बड़े बड़े क्रिटिक्स देखे हैं पीटीआई के जो हैं, उन्होंने भी मतलब है कि उसे कहा है कि ये उनकी शख्सियत के मतलब पॉजिटिव रिमार्क दिए है, तो ये हेल्दी साइन है ना, ये अच्छी बात है। तो इसका एक इम्पैक्ट तो आएगा ना, जाहिर है उनकी शख्सियत का इम्पैक्ट आएगा, उनकी वर्किंग पर आएगा, पार्टी पॉलिसीज पर आएगा, जाहिर है कि वो जो आप आगे वो डिसीजन करेंगे उनके साइनेंस ही होंगे ना, डिसीजन पॉलिसी बयान भी उनके होंगे, सारे कुछ होंगे, तो उनसे हम वो तवक्को रखते हैं कि वो अगर कराची से पेशावर तक आप वुकला कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, हर जगह बार मौजूद है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां पर बार मौजूद नहीं है, हर तहसील में एक बार होती है तहसील, वहां पर कहीं में 500 बंदे हैं, कहीं में 100 बंदे हैं, कहीं 50 बंदे हैं आबादी के साथ, आप वहाँ की जो मुकम्मल लोकल बार्स के जो मेंबर्स हैं उनमें से जो बेहतर आदमी हैं, उनमें से आप मतलब जो बेहतर वकील है, आप उसे जिस वक्त पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लेंगे तो उसका क्या होगा, उसका एक सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट होगा कि वहाँ पर जो रवायती सियासतदान है जो पहले से मौजूद है वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों में, उनके दरमियान एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स नहीं आ जाएगी, ये बिल्कुल नए चेहरे होंगे, ये नए लोग होंगे, तालीम याफ्ता लोग होंगे, ये एक एक्सेप्टेबल भी होंगे, और ये उसको कानून को भी समझते होंगे, सूरत हाल को भी समझते होंगे, सियासत को भी मतलब एक बेहतर अंदाज में वो समझ पाएंगे अपने इलाके की पॉलिटिक्स। ये लोगों के लिए ना एक अच्छा मैं समझता हूँ कि मौका मिलेगा कि अपने इलाके में नई पॉलिटिकल क़यादत को लेके वो सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, इजारादारी इससे ख़त्म होगी, वो पॉलिटिकल जो एक एलीट है, हाँ, जो कई कई सालों से मतलब कई दहाइयों से बैठी हुई है, बैठी हुई और है। जो अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही, ये आपके सामने ही है, सब जो MPs हैं, लोगों ने अपनी अपनी ना छोटी छोटी से वो इलाके से रियासतें तकलीफ कर ली, एग्जैक्टली, कहीं दो खानदान है, कहीं तीन खानदान है, जी एक दफा ये हो गया, एक दफा वो हो गया, एक खानदान के कहीं 10-10 हो गए, हाँ, तो इसमें से अगर ये हो गया गुड डिसीजन, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है इस मुल्क का, ये काफी हद तक तब्दील हो जाएगा, एक नई पॉलिटिकल जो है ना जी इसमें वो, तो सर इसका मुझे बताया जो वोटर है, जो इमरान खान साहब का वोटर है, आपको लगता है कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक बात, और अगर लॉयर्स कम्युनिटी आगे आती जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो लोगों का क्या इस पर रिएक्शन होगा और वोटर किधर टिल्ट करेगा? देखें जी, इसमें तो दो राय नहीं है कि जनरल पब्लिक में तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है ना जी वो पीक पर है इस वक्त, ठीक है, हाँ जी, वोट भी उनके साथ हैं, खासतौर पर जो नौजवान नस्ल है वो उनके साथ है। असल में उसकी एक बड़ी वजह भी है ना कि आप उनका मुकाबला किनसे करवा रहे हैं, इमरान खान को जो है ना, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को आप पीछे उठाने के लिए या उसे कम करने के लिए आप ये जो पुराने हथियार हैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको नई चीज लेके आए ना उनसे मतलब बेहतर लेके आए, हाँ ठीक है, जो उनकी गलतियां हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं उन्हें आप हाईलाइट करें, आप उनसे बेहतर चीज जो है ना जी वो लोगों के सामने लेके आए। अगर आप बेचने की कोशिश करें कि जी ये माल आ गया जो 35 साल से जनाब ये है, यही फिल्म चल रही है, अब नए प्रिंट के साथ आ गई है मार्केट में, तो कौन देखेगा भाई, हाँ जी, उस फिल्म के लिए जो करना है वो तो पहले ही पता है, उसका प्लॉट भी पता है, करेक्टर का भी पता है, लेकिन वो फिल्में भी तो देखे ना आप किधर है, हाँ जी, वो फिल्में किधर है, वो फिल्में किधर किधर खड़ी है, अच्छा वही कह रहे हैं ना, ये सारी जो डब्बा फिल्में आप दोबारा जो है ना लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ये आप देखो ना, या मैं यहाँ किसी का बात लूंगा तो नाम लूंगा तो वो ज्यादा मतलब है कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, हाँ। कोई 35 साल से बरसरे इकदार है, कोई 40 साल से बरसरे इकदार है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक नस्ल जवान होगी, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 85 में प्रैक्टिस शुरू की है, 85 में वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ थे, जब हमने मतलब प्रैक्टिस शुरू की थी उस वक्त भी हमारे जो पोस्टर थे वहाँ खंभों पर नवाज शरीफ के लगे हुए थे, अच्छा, वहां पर नवाज शरीफ साहब की तकरीरें हम सुनते थे उस दौर में मीडिया के जरिए,
वही अखबारात की सुर्खियां, बड़े बड़े इश्तहारात, बड़े बड़े इनकलाबी दावे। आज हम बूढ़े हो गए हैं तो नवाज शरीफ साहब जनाब फिर वो इनकलाबात वो लेके आ भाई, मतलब है कि कम अज कम मतलब है कि अब हम किस तरह यकीन कर। अच्छा सर, लास्टली मैं आपसे ये चाहूँगा जानना कि चूंकि इलेक्शन का एक माहौल सा बना हुआ है और एक नैरेटिव ये भी लाया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में आ रही है, जिस तरह आवाज़ चल रही है चलाई जाती है, जिस तरह मियाँ साहब आए, जिस तरह पार्टी का एक नैरेटिव चल रहा है, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग की बात कर रही है, दूसरी पार्टियाँ भी लेवल प्लेइंग की बात कर रही है, ये कह रहे हैं जी नून लीग को जो है ना वो स्पेस ज़्यादा दी जा रही है या एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, पीटीआई जो है अभी तक उनके पास कैंडिडेट्स नहीं हो रहे, पीटीआई के लिए टाइम बहुत थोड़ा नहीं है अगर तो आप सपोज आप या कोई और लोग वकला देखिए, वो जो आपने बात की ना नून लीग की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो हुकूमत है ना वो तकरीबन नून लीग की है। अच्छा ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो उनमें बराह रास्त उनके बंदे मिनिस्टर बैठे हैं, ठीक है, नवाज शरीफ साहब गवर्नर हाउस में जाके जो है ना ये इजलासों की सदारत कर रहे हैं, ठीक है, उनका आप प्रोटोकॉल देखें, उनके आप वो सारी मैनेजमेंट देखें, तो इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है और पिछले 16 माह भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट रही थी, ठीक, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो बात करते हैं तो ये 16 माह इकट्ठे रहे हैं पीछे, तो अब ये किस बुनियाद पर लहदा लहदा आ रहे हैं, कौन से इनके मंशूर लहदा लहदा है, इलेक्शन लहदा नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है, ये लोग जानते हैं सब। हाँ जी, तो बिलावल साहब भी शुरू हो गए ना वो, ये मैं समझता हूँ महंगाई जो है ना उसके जिम्मेदार ठहरा रहे हैं नून लीग को, ये अब चूरन बिकने वाला नहीं है। ये अब लोगों को पता चल गया ये पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। वैसे महंगाई का जिम्मेदार खान साहब को भी ठहराते हैं, कहते 3 साल की जो परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की वो बड़ी पुअर थी, जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे नहीं कर सके, एक बहुत बड़ा रीजन है, फिर 16 माह जो मिले वो बड़े टफ थे, तो आपको लगता है कि वो 16 माह बड़े टफ थे, वो 3 साल की जो पीछे इमरान खान साहब को जो दौर था उसकी वजह से उनको मिले? देखिए, इमरान खान साहब की जो 3 साल की परफॉर्मेंस जो थी ना वो तो उनकी जो अपना मीडिया सेल है वो बेहतर बताएगा क्या परफॉर्मेंस थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की जो तोकवात थी 100% वो पूरी नहीं हुई, ठीक है, इसमें तो दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन ये है कि वो तो 3 साल ही थे ना, एक तो आप देखें वो 35 साल तो नहीं थे, 40 साल तो नहीं थे, 3 साल में तो आपको पता है कि साल डेढ़ साल में तो बंदा सीखता है, ठीक है, फिर उसमें कोरोना भी आ गया, तो इवन देन के मैं समझता हूँ कि वो जो परफॉर्मेंस थी वो सारी अप टू मार्क नहीं थी, लेकिन मेन दो एक दो चीज़ें जो थी ना वो डायरेक्शन ऐसी थी जो आज तक लोगों का असर, आज क्यों मतलब है कि इमरान खान लोगों में पॉपुलर है, दो तीन चीज़ें नज़र आ रही थी लोगों, एक तो देखे ना उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, सबसे बड़ी बात ये थी कि अक्रॉस द बोर्ड दिया, ठीक, उस बंदे ने ये नहीं देखा कि ये बड़ा मुखालफ है, हमायती है, अमीर है, गरीब है, उसने कहा सबको दो जिसको जरूरत है, बिल्कुल ठीक, ताकि इज्जत नफ्स किसकी मजरूर ना हो। हाँ जी, वो एक ऐसी फैसिलिटीज थी जो जिसका आज तक किसी ने दी ही नहीं, बल्कि वो बंद कर दी गई, यानी कि वो उसकी कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरा ये है कि कोरोना के दिनों में भी जो मैं ज़ाती तौर पर उसका मुशाहदा मैंने किया कि उन्होंने जो पैसे तकसीम किए थे वो 12-12 हज़ार या 15-15 जो भी ग्रांट थी कोरोना की सारी दुनिया में दी थी मुल्कों ने, हमने भी दिए थे, तो वो उन्होंने कोई सियासत इन्वॉल्व नहीं की थी, अपने MPA MNA या अपना कोई ये कोई चक्कर नहीं था, सबको वो उन्होंने एक बनाया अपना क्राइटेरिया अपना, वो जो भी ज़्यादातर काम वो करते थे ना तो वो जो उनके किए हैं उसने, अगरचे वो इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, लेकिन जो किए हैं वो सबके लिए किए हैं, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी एक क्लास को फलां चीज़ दी, ये मैं समझता हूँ उनका क्रेडिट था। दूसरा ये है कि उनके दौर में ख़ास तौर पर जो लोगों में एक होप पैदा हुई थी तो हमारी एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री, मैंने फैसलाबाद में देखा है, अच्छा। यानी कि होप पैदा हुई थी, अब जो है ना जी लोगों की होप डिस्टर्ब हुई, अब होप नहीं अब खौफ है, हाँ होप डिस्टर्ब हुई है, अल्लाह करे कि होप पैदा हो। देखे ना मैं सीधी सी बात है, होप का मैार क्या है, कब पैदा होगा पता चलेगा कि होप पैदा, खान साहब के दौर में मुझे बताया, मैं यह बात करने लगा जिम्मेदारी से,
नौजवान ज्यादा या मुल्क से लोग ज्यादा बाहर जाना चाहते हैं या खास साहब के दौर में जाना चाहते सर 25 लाख लोग मुल्क से बाहर गए। नहीं नहीं मेरा मेरा आपसे ऑफ कोर्स अभी जो मुल्क के हालात है इसमें तो अभी खान साहब के दौर में भी कुछ बाहर जाना चाहते थे लोग, लेकिन ये कैफियत नहीं थी जो खान साहब के दौर के बाद हुई है कि हमारे मुल्क के लोग जो है ना जी नौजवान खासतौर पर मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं भाई, इस मुल्क में रहना चाहिए। ये हमें मतलब इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि हम अपने मुल्क को छोड़ के भागे। बिल्कुल ऐसे हमें तो मतलब इस मुल्क को इतना मतलब है कि हर लिहाज से जन्नत नज़ीर बनाना चाहिए कि यहाँ तो दूसरे लोग आए और ये बन सकता है और बैकबोन है जी यंगस्टर हमारे और ये बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह बनेगा जी। प्रोफेसर शजर से उम्मीद है भारत सर कोई मैसेज को पैगाम देना चाहेंगे वकला के लिए नौजवानों के लिए और वो लोग जो सियासत में आना चाहते हैं उनके लिए। देखिए जब तक लोग सियासत में नहीं आएंगे ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। सियासत ही एक ऐसी मतलब है कि शोभा है जिसने इस मुल्क को गवर्न करना है, जिसने इस मुल्क की डायरेक्शन को सही करना है। इस मुल्क को सही कौन करेगा, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है इस सारी गुफ्तगू का। मैं समझता हूँ इस मुल्क को डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वकील ठीक नहीं कर सकते, इस मुल्क को मतलब कोई ताजर ठीक नहीं कर सकते, एक शोभा नहीं ठीक कर सकते। इस मुल्क को सियासतदानों ने ठीक करना है क्योंकि गवर्नेंस उनके पास है ना, स्टेयरिंग पे उन्होंने बैठना है, बिल्कुल उनके कलम से फैसले होने, पॉलिसियां उन्होंने बनानी है। तो हम जनाब अपने लोगों को कहेंगे जी खुदा दा ना जाए सियासत ना जाए तो सियासत कैसे ठीक होगी। जितने लोग सियासत में आएंगे, जितनी कौम में सियासी शऊर ज्यादा होगा, कौम की तरक्की के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर इस सियासी शऊर को खत्म किया गया, दबा दिया गया, तो मैं नहीं समझता ये मुल्क आगे जाएगा। तो नौजवानों को, हर बंदे को सियासत को हिस्सा लेना चाहिए, समझना चाहिए, उसे शऊर होना चाहिए कि हमारे ये जो मसाइल हैं इसका हल क्या है। और ये हल एबल है, ये मैनेजेबल है, ये हमारे मसाइल अपने पैदा करते हैं, ये फितरत ने हमें अता नहीं की है, फितरत ने तो हमें खूबसूरत चीजें अता की। बहुत अच्छे, ये मसाइल हमारे अपने पैदा करते हैं और इन्हें कौन हल करेगा, इन्हें सियासत से हल होंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं नहीं मैं तो गैर सियासी हूँ, हाँ अलबत्त उनकी अगर ड्यूटी हो गैर सियासी की, मसलन आपको ये ले लिया गया है कि आपको जॉब इस बात पर दी गई है कि आपने ये काम करना है, आपने बाकी नहीं करना, तो ठीक है, बाकी को तो सियासत से आप कैसे मतलब है कि दूर रख सकते हैं। ये पूरी कौम को सियासत करनी पड़ेगी, पूरी कौम को अपने हकूक, अपने शऊर, अपनी तरबियत और रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। बहुत खूब सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राना अब्दुल शकूर खान साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, आपके बुलाने का, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आपकी जो आखिरी बात आपने कही कि सियासत में लोगों को आना चाहिए बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे। जी 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 ठीक सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने आज का पॉडकास्ट देखा, इतनी अहम शख्सियत हमारे साथ थी और बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई। मेरे ख्याल में इस सारी गुफ्तगू के अंदर हमारे लिए बहुत लर्निंग है हम सब के लिए। इसी नोट के साथ अपना बादशाह ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।